बीएसपी भीम आर्मी समेत कई पार्टी भी मामले को लेकर प्रदर्शन करेंगी। तो वहीं कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम समेत कई पार्टियों ने भारत बंद का समर्थन किया है। भारत बंद को राजस्थान में देखते हुए ज्यादातर जिलों में स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, स्कूल बंद रहेंगे। जयपुर, दौसा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, डीग समेत 5 जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके साथ साथ झुंझुनू और सवाई माधोपुर जिले में भी स्कूलों में छुट्टियां हैं। क्रीमी लेयर पर दिए फैसले का विरोध, एससी एसटी समूहों का बंद को समर्थन। एक अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर जो फैसला दिया, उसके विरोध में 21 अगस्त यानी कि बुधवार को भारत बंद किया जा रहा है, जिसका समर्थन बहुजन समाजवादी पार्टी समेत तमाम विरोधी नेता कर रहे हैं। प्रदेश की बात करें तो यहां एससी एसटी समूहों ने बंद को समर्थन दिया। हालांकि केंद्र सरकार साफ कर चुका है कि क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ सलाह दी थी, जिसमें राज्य सरकारों को एससी एसटी आरक्षण के वर्गीकरण का अधिकार है। ये सब अपोजिशन रूल स्टेट से होता होता ही आया है, आकर के सुप्रीम कोर्ट में ही गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 में, जिसमें अनुसूचित जातियों का वर्णन लिखा हुआ है, समावेश लिखा हुआ है, जातियों के नाम लिखे हुए हैं, उसमें राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, राज्य चाहें तो, ये राज्यों को अधिकार दिया है। केंद्र सरकार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि सरकार को इस मसले पर अपना रुख साफ करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का बहुत क्लियर स्टैंड है कि आरक्षण की व्यवस्था जो संविधान में बाबा साहब भीमराजकर अंबेडकर देखे गए हैं, उस व्यवस्था के साथ में किसी तरीके का न खिलवाड़ होने देंगे और न उसको कमजोर होने देंगे। इसलिए केंद्र सरकार को समय रहते हुए अपने स्टैंड को क्लियर करना चाहिए और जो ये एससी एसटी के हमारे भाई जो आंदोलन कर रहे हैं उनको क्लियर कट बात बतानी चाहिए कि हम इस संविधान में दिए गए आरक्षणीय व्यवस्था के साथ में किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। एससी एसटी आरक्षण पर भारत बंद के फैसले पर बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस मुद्दे पर भारत बंद की जरूरत ही नहीं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा है। मना कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया, हम किसी प्रकार का क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग एसटी एससी को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि केंद्र जो भी फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो एससी एसटी वर्ग के साथ है और उनकी भावनाओं की कद्र करते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय जो होगा इसके अंदर उसके साथ रहेंगे। और दूसरा, संविधान हमारा किसी भी वर्ग के अंदर उप वर्गीकरण के लिए नहीं कहता है। हम एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ में हैं, उनकी भावनाओं की कद्र करेंगे और संविधान के खिलाफ में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जहां एससी एसटी वर्ग के लोगों के साथ में समानता का जो भाव है वो नहीं हो। हम निश्चित ही उनकी भावनाओं की कदर करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा को भीतर कोटा बनाने का अधिकार है, यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत अनुसूचित जातियों पर भी उसी तरीके से लागू होता है जैसे ये ओबीसी पर लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले का बसपा सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध में बुधवार को भारत बंद बुलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान।
तो आज भारत बंद बुलाया गया है। जयपुर से विष्णु हमारे संवाददाता बताएंगे भारत बंद का कितना असर। तो जोधपुर की तस्वीर दिखाने के लिए हमारे साथ रंजन दवे जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर का रुख करते हैं। कल छुट्टियों की बात कह दी गई थी स्कूलों के लेकर, क्या खुला है क्या बंद है आज भारत बंद कहते हैं जयपुर में? देखिए, भारत बंद के आह्वान को लेकर के जयपुर शहर में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। आज सुबह जो क्लास एक से लेकर के बारहवीं क्लास तक की जो स्कूल है सभी की छुट्टियां कर दी गई। उसके अलावा शराब की दुकानों को भी बंद करने के निर्देश यहां पर दिए गए। जिसके अलावा जयपुर जिले की मैं बात करूं तो कई कस्बे कई तहसील ऐसी जहां पर शराब की दुकानें और स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। साथ में करौली में इंटरनेट सेवा बंद करने के आदेश भी कल सामने आए थे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामनिवास बाग के गेट पर, और इसी रामनिवास गेट पर यहाँ पर ये अल्बर्ट हॉल के आसपास से आज एसटीएससी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से एक रैली का निकालने का आज यहाँ पर एक कार्यक्रम है, और ये भी सैकड़ों की संख्या में लोगों को इकट्ठा होना था। सुबह 9 बजे की बात कही गई थी इकट्ठा होने की, रैली के रवाना होने की, लेकिन अभी तक फिलहाल यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे बाद ये रैली जयपुर से शुरू होगी, लेकिन उसके तौर पर जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था है वो तमाम यहाँ पर कर दी गई है। वाटर कैनन को यहाँ पर बुलाया गया है, तमाम जो बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर है उनको यहाँ पर लगा लिया गया है, जाप्ता यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल SP जनेश सिंह जी, सर सुरक्षा के क्या आज प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं? यहाँ पर भारत बंद को देखते हुए पर्याप्त सुरक्षा लगाया गया है। अभी यहाँ कोई आवक नहीं हुई है, लगभग 10:30-11 बजे तक लोग आएंगे तो शांतिपूर्वक तरीके से सारा रैली यहीं से शुरू होने वाली है। रैली यहीं से शुरू करेंगे फिर वापस यहीं आएंगे। कहां से कहां होकर गुजरेगी रैली? रामनिवास बाग से 4 दीवारी में जाके फिर वापस यहीं आएंगे। कलेक्टर को ज्ञापन देने की बात भी कही जा रही थी। ये देखिए, अब मैं यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूंगा जहाँ पर सुबह 9 बजे रैली प्रस्तावित थी। यहीं पर लगातार हर जगह पर पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर गश्त कर रही है, पुलिस के जवानों को यहाँ पर पैदल गश्त यहाँ पर लगाया गया है, वाटर कैनन को यहाँ पर तैनात किया गया है, और रैली सुबह 9 बजे रामनिवास बाग से रवाना होकर के परकोटे में त्रिपोलिया बाजार, सांगानेरी गेट, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़ तमाम जगहों से होते हुए वापस से इसी जगह पर लौटेगी। लेकिन अब ये बताया जा रहा है करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद में ये रैली रामनिवास बाग से शुरू होगी। और सामने लगातार हमें जानकारी देते हुए बने रहिए। और अब सीधे रुख करते हैं रंजन का। रंजन, जोधपुर में आज क्या कुछ बंद है? क्योंकि पहले खबर थी 5 जिलों में छुट्टियां हैं, फिर 2 जिले और जुड़ गए, झुंझुनू और सवाई माधोपुर। यहाँ जोधपुर की तस्वीर बताइए, भारत बंद का कितना असर, हालांकि सुबह का वक्त है। जी देखिए, जिस तरीके से इस बंद का आह्वान किया गया तो उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात के रूप में अगर बताना चाहूं तो पहले समाज, व्यापारिक वर्ग और दलित समाज के जो प्रतिनिधि हैं इनकी बैठक हुई है पुलिस और प्रशासन के साथ में। उसके बाद में आपसी सहमति के लिए 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया बंद के लिए। स्कूलों को लेकर संशय जरूर था, लेकिन देर रात एक आदेश आता है जिसमें कि जिला कलेक्टर स्कूलों की और शैक्षणिक संस्थाओं, आंगनबाड़ी की छुट्टियां कर देते हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इस बंद से मुक्त रखा गया है, लेकिन 9 बजे जालोरी गेट जो केंद्र है यहां से रैली इकट्ठा होने के साथ में 12 बजे के आसपास रैली के रूप में यहां से कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया जाएगा। वहां एक सभा होने जा रही है जिसमें कि इस आरक्षण को लेकर के ये जो आंदोलनकारी लोग हैं, बंद के समर्थक जो लोग हैं वो अपनी बात रखेंगे। जालोरी गेट चौराहे पे मैं इस समय मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ ये वे लोग हैं जो कि इस बंद के समर्थन में जुटे हैं और भारत बंद में समर्थन के साथ साथ जोधपुर बंद कराने के लिए पहुंचे। बात करेंगे भीम सेना बहुजन समाज का, ये बंद को लेकर के आह्वान किया गया, क्या कुछ बंद है और क्या क्या मांग है? आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था आरक्षण में वर्गीकरण को लेके, उसके खिलाफ में आज संपूर्ण भारत बंद है। और इसी कड़ी में जोधपुर में जो इमरजेंसी सेवाएं उनको छोड़कर लगभग पूरा संपूर्ण जोधपुर बंद है। कल हमारी जो पटेल सभागार में पुलिस प्रशासन के साथ भी बात हुई थी और जो व्यापारी संगठन है, अग्रिम संगठन है 2021, उनसे भी बातें हुई थी तो उन्होंने भी लगभग हमें भरोसा दिलाया पूरा जोधपुर जो व्यापारी गण है वो अपना प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। और मैं सभी जोधपुर वासियों और व्यापारी संगठनों से भी ये क्रमबद्ध निवेदन करता हूं कि वो हमारे इस जो स्वैच्छिक बंद में इसमें अपना योगदान दें और आने वाले सभी
जो इस आंदोलनकारी है, जो हमारे समाज के लोग हैं, उनसे भी आग्रह रहेगा। जोधपुर पूरी तरह से बंद है, जिस तरह से जानकारी प्रदर्शनकारी भी दे रहे हैं, प्रदर्शनकारी को जुटना भी शुरू हो गया, रैली भी यहां से निकलेगी, आपके पास आएंगे। जोधपुर में रंजन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, कोटा का रुख कर रहे हैं हिमांशु, चूंकि आधिकारिक जानकारी ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई इन संगठनों की तरफ से, क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा, कोटा की क्या तस्वीर है? देखिए, बंद को लेकर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस महकमे की तरफ से भी बड़ा होमवर्क किया गया है। बकायदा जो बंद को लेकर के एक जो स्पेशल बैठक है वो बुलाई गई, एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने अपने स्तर पर बैठक की, पुलिस महकमे ने अपनी तैयारी की और इन सब के साथ में बंद शांतिपूर्ण वक्त रहे इसको लेकर के भी तैयारी की। चूंकि कोटा एजुकेशन हब है तो ऐसे में पूरे जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनमें आज छुट्टी रखी गई है, यानी कि वहाँ पर आज पढ़ाई नहीं होगी। सरकारी और गैर सरकारी सभी शिक्षण संस्थान बंद रखे गए हैं। बीएससी का जो चौथे सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला था कोटा यूनिवर्सिटी में, उसे आज स्थगित कर दिया गया है और इन सब के साथ में शराब की दुकानें भी आज पूरी तरह से बंद रहेंगी। जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। पूरी तरह से फिलहाल बंद का जो असर है वो देख सकते हैं। कोटा के मुख्य बाजारों में से एक है गुमानपुरा बाजार, तस्वीर आप देख सकते हैं कि सभी जो व्यापारिक संगठन है उनके तरफ से बंद को समर्थन दिया पूरा गया, समर्थन है, मिला है। सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कों में कोटा की तस्वीरें दिखा रहे हैं हिमांशु, मुख्य बाजार जहां पर बंद पड़ा है। आप सीधे अजमेर का रुख लेते हैं, क्या यहां पर भी व्यापारी संगठनों का मिला है संगठन को पूरी तरह से समर्थन, क्या यहां अजमेर में भी बाजार बंद रहेंगे, क्या कुछ बंद रहने वाला है आज अशोक जी? बिल्कुल, अजमेर में भी आवश्यक जो जरूरी चीजें हैं उनको छोड़कर तमाम जो है व्यापारियों ने अपना बंद रखा है। इस वक्त मैं मुख्य बाजार जो जहां कॉलेज है वहां पर मौजूद हूं। आप देखेंगे पुलिस की ओर से व्यवस्था यहां पर की जा रही है, क्योंकि अभी जो है रामगंज से रैली शुरू हुई है और सामने जो है नीले झंडे हाथ में लेकर जो है तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं जो बंद को आह्वान करने वाले हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये जो है अलग अलग बाजारों में पहुंचेंगे और बाजारों के साथ साथ जो सभी को आह्वान कर रहे हैं कि इस बंद को जो है समर्थन किया जाए। हालांकि पूरा बाजार जो अजमेर की पुरानी मंडी हो, चाहे केसरगंज हो, चाहे कवंडसपुरा हो, सभी बाजार जो है स्वतः ही बंद है, क्योंकि इस दौरान किसी तरह के कोई हंगामा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भी अपने अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जो है निगरानी की जा रही है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है रैली की शुरुआत जो हो गई है, रामगंज से ये रैली निकली है और अलग अलग बाजार से होते हुए अंबेडकर सर्किल जो बस स्टैंड पर मौजूद है वहाँ ये रैली पहुंचेगी और इस रैली के माध्यम से सभी यही कह रहे हैं कि आरक्षण से किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो। लेकिन आपको बता दूं अजमेर में दो फाड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो एससी एसटी वर्ग में जो वाल्मीकि समाज है उनकी ओर से बंद को जो है समर्थन नहीं किया गया है और यहाँ भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का जो आह्वान है और किस तरह से ये जो आंदोलन है वो किया जा रहा है। पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल जी, किस तरह का रहेगा ये बंद? आज अजमेर बंद है 21 अगस्त को, क्योंकि भारत बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एससी एसटी के खिलाफ जो फैसला दिया है उसके विरोध में भारत बंद है। हम शांतिपूर्वक अजमेर में एक रैली निकाल के निकल रहे हैं, व्यापारियों से सहयोग की अपील कर रहे हैं, उन्होंने हमें सहयोग भी दिया है और अजमेर पूर्णतः बंद है और ये बंद शाम तक रहेगा। कहाँ कहाँ से रैली निकलेगी और क्या संदेश? ये गवर्नमेंट कॉलेज, लाजा टाकीज, मदार गेट से नया बाजार से चूड़ी बाजार होते हुए, ठीक है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखिए प्रदर्शनकारी का सड़कों पर निकलना शुरू हो गया है। रैली निकलती हुई अजमेर की तस्वीरें अशोक हमें पहुंचा रहे हैं। रंजन का रुख कर लेते हैं, रंजन आपने प्रदर्शनकारियों से भी बात की, कितनी देर में यहाँ से रैली निकलना शुरू होगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कुछ और यहाँ दलित समाज से जुड़े लोग हैं भीमसेन, क्या कुछ है आज के दिन में आप क्या कुछ आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को जो जजमेंट आया उसको लेकर के पूरे देश के अंदर दलित समाज में भारी आक्रोश है और आज आक्रोश को देखते दलित संगठन जो अग्रिम संगठन है उन्होंने भारत बंद का कॉल किया है और जोधपुर बंद शांतिपूर्ण बंद रहेगा। हम लोगों का जो दलित ऑर्गेनाइजेशन जो टीमें हैं हमने अलग अलग टीमें बना करके वो अपने अपने एरिया के अंदर बंद का कॉल कर रहे हैं और हम लोग जो जोधपुर के आज जालोरी गेट जो हार्ट ऑफ सिटी है वहां इकट्ठे हो रहे हैं और यहां से बड़े जुलूस और रैली के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे कि जो जजमेंट आया वो दलितों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारा एससी एसटी समाज है उसके अंदर सैकड़ों जातियां हैं और उन जातियों का जो हमारा जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो भागीदारी होनी चाहिए, उस भागीदारी को लेकर के जो समाज को जो तोड़ने का काम जो कर रहे हैं
वो निश्चित रूप से यहाँ पर अविनाश गहलोत कैबिनेट मंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि जिले की कोई छेड़छाड़ संविधान के अंदर नहीं होगी। हम एससी एसटी वर्ग के समुदाय के लोगों की भावनाओं की इज्जत करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, कह रहे हैं किसी तरह की कोई छेड़खानी नहीं है, किसी तरह का सिर्फ ये एक सिफारिश बढ़ती है उसको लेकर के ये सारा हो रहा है। क्या कुछ निश्चित रूप से छेड़छाड़ है, बिल्कुल छेड़छाड़ है साहब, और बिल्कुल छेड़छाड़ है। और ये सरकारें चाहती है हमारे आपस में भाईचारे में फूट डालना चाहती है, तो हमारी किस बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जिले में रैली शुरू होगी, जोधपुर की तस्वीरें हमें दिखाते हुए रंजन दवे आपका रुख करेंगे। विष्णु का रुख लेते राजधानी जयपुर में। विष्णु, 9 बजे का वक्त दिया गया था लेकिन इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है, अल्बर्ट हॉल के सामने आप मौजूद हैं। कितने बजे अब ये रैली शुरू हो सकती है? इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था भी जरा दिखाइए। देखिए एसटीएससी संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से सुबह 9 बजे जयपुर में रामनिवास बाग से आज रैली का आह्वान किया गया था, जो कि सुबह 9 बजे रवाना होकर के, लेकिन इस वक्त ये अल्बर्ट हॉल, ये रामनिवास बाग का गेट है और ये रामनिवास बाग है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इस वक्त यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि एसटीएससी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान को देखते हुए यहाँ पर पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया था, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ वाटर कैनन की गाड़ियां, अधिकारी, पुलिस जाब्ता अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है, लेकिन यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर पर्यटक जरूर यहाँ पर फोटोग्राफी का मजा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रैली के लिए फिलहाल अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। कब तक ये रैली शुरू होगी इसका भी फिलहाल कोई अंदाजा भी नहीं है। बताया यह जा रहा है कि करीब 10:30 बजे के आसपास लोग यहाँ पर रैली के लिए यहाँ पर आएंगे, उसके बाद में परकोटे के बाजारों में रैली निकल जाएगी। कोटा चलते हैं, कोटा से अपडेट ले लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु, हमने देखा अजमेर में तो रैली की शुरुआत हो गई है, इसके साथ साथ जोधपुर में भी सड़कों पर प्रदर्शनकारी जुटना शुरू हो गए हैं। कोटा में क्या तस्वीर है, कब तक रैली निकलेगी, किस किस मार्गों से वहां से निकलती हुई नजर आएगी और इसके मद्देनजर सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं? देखिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से जो रैली यहां पर निकलने वाली है वो शहर के अलग अलग हिस्सों से समूह के रूप में इकट्ठा होकर के उम्मीद स्टेडियम पर पहुंचने वाले हैं और करीब करीब 10:30 से 11 बजे का वक्त होगा। उम्मीद स्टेडियम से ये रैली जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचेगी और इस दौरान ये सुनिश्चित किया गया कि भारी पुलिस जाब्ते के साथ में किसी भी तरह से वहां पर जाम जैसे हालात ना बन जाए, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, यानी कि पूरी तरह से जो शहर का ये मुख्य मार्ग है तो ऐसे में किसी तरह से कोई दूसरी दिक्कतें ना हो, इसलिए ट्रैफिक का डायवर्जन पहले ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से, शहर पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। उम्मीद स्टेडियम से जिला कलेक्ट्रेट तक ये पैदल मार्च रहने वाला है। यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जो है आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही पुलिस और प्रशासन का पूरा की पूरा जो जाप्ता है वो यहाँ पर तैनात रहने वाला है। पूरा असर कोटा की सड़कों पर नजर आ रहा है, बाजार बंद दिख रहे हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। जोधपुर में हलचल तेज हो गई है, रंजन भी प्रदर्शनकारियों के बीच में है जो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि हमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं चाहिए, कोटा के अंदर कोटा मंजूर नहीं है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे कि इन सरकार लिखित में आश्वासन दे। लेकिन इन सबके बीच में रंजन ये बताइए, भारत बंद का कितना असर है, क्या यहां पर भी बाजार बंद रहेंगे, व्यापारी संगठनों ने कितना समर्थन दिया है इन संगठनों को? जी देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से बंद का आह्वान किया गया है, सबसे बड़ी बात सिर्फ एक पैम्पलेट बाजार में आया था और उस पैम्पलेट के अनुसरण के तहत दलित संगठन जो भी हैं वो एकजुट हुए, लामबंद हुए और योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने प्रशासन के साथ भी वार्ता की और उस वार्ता के साथ में इस बंद को लेकर के अपनी तैयारियां शुरू की है। 9 बजे सवेरे कार्यक्रम की यहाँ जालोरी गेट चौराहे से शुरुआत उन्हें है। मेरे साथी सहयोगी से कहूंगा कि एक बार कैमरा पैन करके ये जो दृश्य बताएं यहाँ की, ये जो भीम सेना और दलित समाज से जुड़े जो लोग हैं वे बड़ी संख्या में यहाँ जुटना शुरू हो चुके हैं और देखिए सबके हाथ में जो नीला जो इनका ध्वज है वो है एससी एसटी एकता जिंदाबाद के स्लग लिए हुए, आवाज दो हम एक है, ऐसे कई सारे जो कोटेशन के साथ में ये लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से अब ये जालोरी गेट चौराहे से मिला है। और क्या आज बाजार भी बंद रहेंगे? जी बात करने का प्रयास करते हैं। जी आपसे पहले बात हो रही थी और आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कुछ है बात?
हम ये चाह रहे थे जो दलित एकता का निश्चित रूप से ये षड्यंत्र है, और इसका आपने उदाहरण हरियाणा के अंदर देखा होगा, उन्होंने इस निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसको आधार बना करके एससी के अंदर जातियों का जो वर्गीकरण का निर्णय लागू कर दिया गया। हम ये चाहते हैं अगर आरक्षण के साथ छेड़छाड़ नहीं करती तो जनरल के अंदर 50% आरण है, उसके जनरल के अंदर भी गरीब लोग होंगे, तो अगर आप आर्थिक आधार पे कर रहे हैं इस तरह का तो जनरल के साथ कीजिए ना, ताकि जो गरीब लोगों को जो लाभ अगर देने की आपकी मंशा है, भावना है कि वास्तव में गरीबों का हम लोग चाहते हैं रिजर्वेशन देना, तो उसमें भी करना चाहिए अलग से। जैसे आपने ईडब्ल्यूएस किया है तो ईडब्ल्यूएस के अंदर क्या हुआ, जो अगर आर्थिक आधार करे तो दलित लोग है एससी एसटी लोग, उसकी तो आई सीमा आपने 2.5 लाख रखी, जबकि ईडब्ल्यूएस अंदर के 8 लाख आई सीमा रखी, मतलब दलित होता है उसकी आर्थिक आधार 2.5 लाख वाला से ऊपर होते हैं वो आपको मजबूत मिल जाता है, जबकि ईडब्ल्यूएस अंदर 8 लाख तक दलितों के प्रति ठीक नहीं है, उनका रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं है, इसीलिए दलित समाज के अंदर आक्रोश है, हमने इसीलिए भारत बंद। ओबीसी के अंदर भी क्रिमिनल लागू है, बात सिर्फ क्रिमिनल की हो रही है कि जिसकी क्रिमिनल में जो आ रहे हैं उनको है, जो हमारा जो दलित समाज है, हमारा जो मेन आधार है जो आरक्षण का, वो हमारी भागीदारी के लिए है और वो जाति के आधार पर है, जब तक जाति रहेगी, जाति के साथ भेदभाव रहेंगे तब तक हमारे आरक्षण साथ हम छेड़छाड़ विषय में बात कर रहे हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, आज जो ज्ञापन देने जा रहे हैं उस ज्ञापन में क्या कुछ लिखेंगे? हमारा यही है जो आपस में एससी एसटी में जो फूट डाल रहा है, जो ये डिसीजन है वास्तव में हमें आपस में बांटने की एक साजिश के तहत हो रहा है, तो हम यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये डिसीजन है हमें बांटने वाला, वर्गीकरण वाला, ये डिसीजन वापस हो और जो समाज में जो स्वाद है वो भाईचारा है वो बना रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शनकारी करते हुए जोधपुर की तस्वीरें रंजन लगातार हमें पहुंचा रहे हैं, आपका रंजन रुक करेंगे, अब लिए चलते हैं अजमेर, अशोक भाटी लगातार वहां से हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं।